हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेयरिश ट्राई स्टार के विषय में विस्तार से बताऊंगा। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, बेयरिश और ट्राई स्टार। बेयरिश शब्द का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, बेयरिश मतलब की मंदी, और ट्राई स्टार शब्द का मतलब होता है तीन तारे। बेयरिश ट्राई स्टार का नाम जापान के लोगों ने तीन छोटे तारों के ऊपर रखा है। बेयरिश ट्राई स्टार बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न तीन कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह एक छोटी डोजी कैंडल स्टिक होती है। इसमें कोई रंग नहीं होता है। दूसरी कैंडल भी एक स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह एक छोटी डोजी कैंडल स्टिक होती है। इसमें भी कोई रंग नहीं होता है। तीसरी कैंडल भी एक स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह एक छोटी डोजी कैंडल स्टिक होती है। इसमें भी कोई रंग नहीं होता है। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है, या कहें कि यह चार्ट के टॉप पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद बिकवाली करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए। डोजी मतलब कि वह कैंडल जिसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान हो। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए, या कहें कि गैप अप ओपन होना चाहिए और बहुत सीमित क्षेत्र के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद जब यह दूसरी कैंडल क्लोज हो, उस समय यह दूसरी कैंडल अपने ओपन प्राइस के बराबर ही बंद होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। यह दूसरी कैंडल स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुलना चाहिए, या कहें कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए और बहुत सीमित क्षेत्र के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद जब यह तीसरी कैंडल क्लोज हो, उस समय यह तीसरी कैंडल अपने ओपन प्राइस के बराबर ही बंद होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। यह तीसरी कैंडल स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में इन तीनों कैंडल का नाम स्टार होता है। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि तीसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। बेयरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है।
जैसा कि मैंने आपको बताया है, बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में जो तीनों कैंडल डोजी कैंडल स्टिक होती हैं, डोजी के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में मात्र एक ही प्रकार से दिखाई दे सकता है, इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न अधिकतर उन कमोडिटीज और उन शेयर्स में बनता है जिनमें वॉल्यूम की मात्रा कम हो। बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन दोनों चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है, लेकिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी मंदी के साथ या कहें कि गैप डाउन ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो तो आपको बाजार में बिकवाली करना है या फिर बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाती तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में तीनों कैंडल स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए। नंबर दो, तीनों कैंडल सीमित क्षेत्र के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। नंबर तीन, इसमें वॉल्यूम का कोई महत्व नहीं होता है। नंबर चार, तीसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अब बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी तेजी के बाद बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अब आपको
इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो, तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप डाउन ओपन नहीं हो रही है, तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद चौथे नंबर की कैंडल बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो रही है, तो आपको इसमें बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने बेरिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।